जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखिए। आप अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो पूरा अवश्य देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आपके लिए बताना है कमेंट में आखिरी में कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उन्नति में संधि है। उन्नति में आपके लिए बताना है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर व्यंजन संधि, यानी कि विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा है। क्या पूछा है देखिए, कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई। पंक्ति में आपके लिए अलंकार बताना है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, अनियोक्ति, सहयोक्ति, वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति। ये आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इसमें अलंकार आपसे पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा इसमें अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो विकल्प नंबर जो 4 है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए वाक्य है, ये आपको बताना है यहाँ पर। निषेध परक संरचना वाक्य है या विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना, बताइए। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए वाक्य है विधि सूचक संरचना, यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 पूछा है, देखिए भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, इसमें आपके लिए प्रत्यय बताना है, अक्कड़, झक्कड़, कड़ या कड़, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो प्रत्यय पूछा है इसमें भाई कौन सा प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि अक्कड़ आपका सही आंसर होगा। अक्कड़ आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सूत शब्द का अर्थ है नहीं है, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, धागा, कर्ण या रथ हाँकने वाला या भाट, यहाँ पर अर्थ नहीं है, सूत का अर्थ नहीं है, ये आपके लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है और कर्ण आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा है कि कलेजा उछलना, मुहावरे का आशय आपके लिए यहाँ पर बताना है, इस मुहावरे का सही आशय क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, उक्त सभी, यानी कि उद्वेग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना, ये उपरोक्त सभी जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, क्या है यहाँ पर, देखिए तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधान सूचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है और 7 का सही आंसर है ये वाक्य जो है इच्छा सूचक वाक्य है, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 8 कि अन्य जल पद में समास कौन सा है, अव्ययी भाव, दिगु, कर्मधाराय या फिर द्वंद्व। तो अन्य जल पद में समास पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी कि द्वंद्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, निवाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बुंदेली आपका सही आंसर, होशंगाबाद जिले में बुंदेली बोली बोली जाती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा है, वैभव शब्द का पर्यायवाची क्या है, महत्ता, शक्ति, उक्त सभी, ऐश्वर्य। वैभव शब्द का पर्यायवाची बताना है आपके लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, उक्त सभी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, यानी कि महत्ता, शक्ति, ऐश्वर्य, उक्त सभी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा है, हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपके लिए बताना है क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, उद्यान विशेषज्ञ आपका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनित्य का विलोम क्या होगा, शाश्वत, सर्वदा, नित्य या फिर उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है और अनित्य का विलोम पूछा है, तो यहाँ पर भी आपका उक्त सभी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ठेस शब्द है, ये संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा ठेस शब्द, कैसा है, देशज माना जाता है, तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से। रोजगार और निर्माण ये पत्र है और कहाँ से ये जो है प्रकाशित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है, ये प्रकाशित होता है भोपाल से, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा है, भोपाल में आयोजित दसवें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय बताना है। तो भोपाल में आयोजित हुआ था दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन और इसका जो मुख्य विषय था क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है, हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग में नहीं है, विलोम शब्द युग में नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 16 का, तो स्वन ध्वनि ये जो है ये आपका युग में सही नहीं है, युग में नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए, शुद्ध वाक्य पूछा है, तो आजकल 100 रुपये में क्या आता है, ये क्या सा वाक्य है, शुद्ध वाक्य बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रशंसा, चैत्र, फागुन या गृहस्थी। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है फागुन, यहाँ पर ये जो है सही आंसर होगा, शुद्ध शब्द है। और यहाँ पर निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, नहीं पूछा है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो गाली गलौच, गुड़ गुड़ या चिर चीर, चीता चिता, चिता चीता। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का सही आंसर है गाली गलौच, ये जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है कौन सी है, ये आपको कमेंट में बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ये आज का आपको चैलेंज प्रश्न दिया है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है, अंधेरे बंद कमरे, संसद से सड़क तक, यामा या आखिरी, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, कमेंट में जरूर बताएंगे आप। और इस प्रकार यहाँ पर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे और पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।